कौन बनेगा सुल्तान। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का कौन बनेगा सुल्तान, यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और तेजी से नतीजे आ रहे हैं। 11 मार्च जिस तारीख का इंतजार पांच राज्यों की जनता को था वो तारीख आ चुकी है, रुझान तेजी से आने शुरू हो गए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 200 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं और 200 सीटों में 150 के आसपास बीजेपी सबसे आगे चल रही है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में भी बीजेपी आगे है लेकिन कांग्रेस थोड़ा बहुत आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी बहुत तेजी से आगे है। कहा जा सकता है कि जिस स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र हुआ, हरीश रावत ने भी प्रचार किया, बागियों के खिलाफ भी प्रचार किया, बागी बीजेपी में गए, कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 32 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। और इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 150 सीटों पर बीजेपी आगे है। मेरे सहयोगी मनीष कुमार वर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो मनीष, हम जिस तरीके से देख रहे हैं एग्जिट पोल्स को, कह रहे हैं ढकोसला करार दिया जा रहा था। अगर हम बात करें एग्जिट पोल्स की तो उन्हें बिका हुआ भी बताया जा रहा था, बोला जा रहा था कि एग्जिट पोल्स सिर्फ पैसे लेकर ये बनाए गए हैं। ऐसे आरोप पहले भी मीडिया पर लगते रहे हैं, विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कई बार मीडिया ने साबित भी किया है एग्जिट पोल्स 2014 में पूरे तरीके से सही साबित हुए थे और इस बार भी एग्जिट पोल्स के हिसाब से ही जो रुझान आ रहे हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात इससे पहले कर रहे थे मनीष, उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का एग्जिट पोल ने दिखाया था, बीजेपी बहुत तेजी से आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बहुत तेजी से पीछे है। लेकिन मनीष, सबसे बेहद अहम है इस वक्त उत्तराखंड का। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 50 के आसपास की सीटों के रुझान आ चुके हैं और बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही हैरान करने वाली बात। जी बिल्कुल, हैरान करने वाली बात है, 40 सीटों पर आगे चल रही है। और आपको बता दें, जो बागी नेता थे, जो जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के जो गए बीजेपी में सम्मिलित हुए, मिल गए, उनसे कहीं ना कहीं वो असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था हरीश रावत के खिलाफ, वो भी असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है काफी मिलती हुई दिख रही है और इनके खिलाफ जाती हुई दिख रही है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें साफ साफ हरीश रावत दिखाई दिए, उसके बाद जो बागी जो नेता थे वो छोड़ के बीजेपी में चले गए, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए दर्शकों, तो उत्तराखंड के लोगों ने या पहाड़ के लोगों ने इस बार शायद कुछ और ही सोचा है। अगर हम पिछले बार के चुनाव की बात करें तो पिछली बार भाजपा चुनाव में थी और एक मुकाबले की टक्कर रही भाजपा और कांग्रेस में, एक सीट की वजह से सिर्फ बीजेपी सरकार बनाने से रह गई थी। और इस बार भी शायद वही लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, एक सीट पर आकर पेंच अटक जाएगा जिस तरीके के एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे। लेकिन अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है, रुझान जो है, रुझान हमें बता रहे हैं कि जो हरीश रावत सरकार है उसके कामकाज को पब्लिक ने नकारा है। बात करें बीच के राष्ट्रपति शासन की, जब राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगा था तो तेजी से राजस्व की कमाई हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें आरोपों की, तो शराब माफियाओं से, भू माफियाओं से मिलने के आरोप भी हरीश रावत पर लगातार लगते रहे। जो बागी नेता थे, बागी नेताओं ने भी बार बार यही बात कही कि हरीश रावत हैं, हरीश रावत भू माफियाओं को संरक्षण देते हैं, शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं। इसके अलावा मनीष, अगर मैं बात करूं तो किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत की जो अनबन थी, अंदरून इनकी बात नहीं बन रही थी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं मनमुटाव सामने आ रहा था संगठन और सरकार में, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा यहाँ पर जो कांग्रेस है उसको भुगतना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्या पड़ रहा है उनको, वो साफ साफ दिख भी रहा है। और जो आपने कहा ना कि पेच फंसने की बात थी, एक सीट पर पिछले बार भी पेच फंस गया था, तो कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है कहीं ना कहीं वो चाह रही थी कि बीजेपी को भी एक बार मौका देके देखा जाए कि आखिर बीजेपी हमारे लिए क्या करती है। एक नए चेहरे को वो चाह रही थी और वो उन्होंने दिखाया कि अब एक बार हम चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है, तो वो बदलाव दिख रहा है इस समय उत्तराखंड में। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में अप्रत्याशित नतीजे सामने आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को इस बार पब्लिक ने बहुत दूर कर दिया है। कांग्रेस जो कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, वो तेजी से पंजाब में आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी तेजी से बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर सामने है तस्वीर के वहां पर अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन से जनता परेशान थी, वो एक बदलाव चाहती थी, उस बदलाव की बदौलत ही आज आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस
पहले नंबर की पार्टी बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल्स की बात करें तो एग्जिट पोल्स जो जारी किए गए थे उनमें कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही थी और आम आदमी पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बताया जा रहा था। कई जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे भी आने बाकी हैं। एक बार फिर आप सबको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश की 244 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 176 पर बीजेपी सबसे आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 40 से 45 सीटों के आसपास बढ़त बनाए हुए और बीएसपी की हालत बेहद दयनीय दिखाई दे रही है। 20 सीटें, 20 से 25 सीटों के बीच में बीएसपी बढ़त बनाए हुए। एक और छोटा सा ब्रेक, कौन बनेगा सुल्तान लगातार जारी है। कौन बनेगा सुल्तान,